नमस्कार दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में बात करूंगा आपसे पेनिशिया बायोटेक के बारे में। आज सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर एक खबर आई है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट का कार्य जो अपने देश में चल रहा है उसको और गति देने की आवश्यकता है, प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीनेशन का कार्य और गति से किया जा सके। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, 3 दिन लगातार आज हो गए, 5% का सर्किट लगाते हुए मात्र तीन दिन में 15% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है और सन 2008 के हाई के आसपास ये स्टॉक पहुँच चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, 3 दिन पहले खबर आई थी कि RDIF जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी तरफ से इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई थी कि आप इंडिया में प्रोडक्शन वैक्सीन का स्पुतनिक 5 का स्टार्ट कर सकते हैं। तब इसका प्राइस मात्र 390 रुपये चल रहा था। ये खबर आने के बाद ही लगातार इसमें 5% के सर्किट लगने स्टार्ट हो गए थे। आप देख सकते हैं 24 मई को मैंने ये वीडियो बनाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें आगे आने वाले समय में आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये पेनिशिया बायोटेक का मैंने डेली चार्ट जो है ओपन कर लिया है। ओवरऑल ट्रेंड आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। पहले कुछ दिनों पहले इसने जब ओपन हाई लगा, ये एक 400 रुपये के रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक डाउन प्लेस में वापस स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से खबर आने लगी कि गवर्नमेंट जो है स्पुतनिक के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सीरियस है और इंडिया में इसको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। तब से इसमें लगातार जो तेज़ी का दौर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब मैं अगर आपसे बात करूं वीकली चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो 2018 में हाई लगाया था 350 रुपये का, उसके बाद लगातार उस कंपनी में कुछ फाइनेंशियल इशू थे उसके चलते एक लगातार गिरावट का दौर 3 साल स्टॉक में लगातार जारी रहा। उस लेवल को स्टॉक ऑलरेडी पिछले हफ्ते यानी 2 हफ्ते इस स्टॉक को तोड़े हुए हो चुके हैं। ये लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि 350 का लेवल आपको स्टॉक में शॉर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक मल्टी ईयर के ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक आपको करते हुए देखने को मिल सकता है। ये देखिए, सन 2008 के आसपास आप देख सकते हैं जो स्टॉक ने हाई लगाया था उस प्राइस के आसपास ही स्टॉक ऑलमोस्ट पहुंचने की तैयारी कर रहा है और ये जो लेवल आप यहाँ देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है यानी 445 के आसपास 450 के आसपास क्लोजिंग देता है तो फिर और डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या रुझान देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कंपनीज हैं जिनको स्पुतनिक बनाने की परमिशन दी है, तो इसके अलावा जो जब ये लेवल स्टॉक निकाल देगा तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, जो कि इसका 500 रुपये का लेवल है। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में धीरे धीरे इस स्टॉक इस प्राइस पर जाते हुए देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, Q4 के नंबर स्टॉक के आने बाकी हैं, Q4 के जो नंबर्स हैं उन पर नजर रहेगी। नंबर अगर दमदार आते हैं तो शॉर्ट आपको ये 500 का लेवल भी क्विकली तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह कुछ इस प्रकार है कि जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पर ले रखा है आप आराम से होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक कब टर्न अराउंड कर सकता है या आपको कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो राय ये भी है कि आप यहाँ से पार्शली स्टॉक सेल कर सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 30% to 50% आप इस स्टॉक से निकाल सकते हैं। सारी होल्डिंग एक बार यहाँ से ना निकालें, आने वाले समय में और यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर 5 मिनट के कैंडल में दिखाऊँ तो देखिए, आपको स्टॉक ने आज फिर यहाँ एंटर होने का मौका दिया था। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक शुरू हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली और कल के क्लोजिंग के स्तर लगभग 425 के आसपास गिरते हुए देखने को मिला और फिर शार्प एक तुरंत एक रिबाउंड यहाँ देखने को मिला आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्टॉक ने करीब 1 घंटे तक जो है अपर सर्किट पर रहा था। ये 4 मिनट की कैंडल मैंने ओपन की हुई है तो स्टॉक आपको एंट्री करने का मौका आज मिला था, सर्किट इसका ब्रेक हुआ था। जो लोग इसमें लंबा प्ले करना चाहते हैं कम से कम 1.5-2 साल के लिए, उससे भी ज़्यादा साल के लिए, तो आप यहाँ पर डिप पर बाय कर सकते हैं, आराम से थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये 20 से 30 रुपये का डिप लगाता है स्टॉक, जैसे कि आज इसने लगाया था 445 से 425 का, ऐसे अवसर की तलाश में आपको रहना चाहिए और वहाँ डिप में आप थोड़ी थोड़ी बाइंग इस पर कर सकते हैं। टोटल कैपिटल जो भी आप डालना चाहते हैं उसका 20% का अमाउंट करके 5 टुकड़ों में आप इसमें पर जो भी डिप्स आपको मिलते हैं उसमें पैसा आप डाल सकते हैं। तो ये सलाह आप उनके लिए है जो इसको 1 से 1.5 साल होल्ड करना चाहते हैं। बाकी कंपनी शानदार है, इसको फिलहाल स्टॉक आप होल्ड ही रखिए मेरी राय में तो, क्योंकि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर ये दे देगा 500 लेवल के ऊपर, फिर आप देखेंगे इसमें एक नए सिरे से तेज़ी का दौर आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।